बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अभी आज अभी टाइम हो गया है 3:07। अभी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बुक दिखाऊंगा। वो बुक का नाम है 365 एक्टिविटीज़। वो ना छोटे छोटे बच्चे की तरह, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके लिए ये बेस्ट है। तो भी आपको भी दिखाते हैं। तो आज का व्लॉग इसके बारे में होगा। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। ये बुक है 365 स्मार्ट एक्टिविटीज़। ये ना इस बहुत इजी क्वेश्चन है। ये जो छोटे बच्चे हैं ना, ये मैथ्स, ये देखा, ये मैंने पेज संभाला, ये है ब्रेनी मैथ्स। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 3 × 3, 3 × 3 = 9 होगा इसका आंसर। तो इसका 2 + 4 = 6। इसका 10 - 5, इसका होगा 10 में से माइनस करो 5 को तो 5 ही आएगा, 9 = 6 = 5। आहा, 4 + 9 ये होगा 13। टू मल्टीप्लाई बाय 7, 7 × 2 = 14। इस साइड पे 9 - 5, 9 - 5 = 4। ये है 4 × 4, 4 × 4 = 16, 8 + 5 = 13, 3 × 5 = 15, 15 ये देख सकते हैं आप। अब आपको ना मैं नेक्स्ट पेज भी ले गया था, कोई से भी अच्छे पेज पे। मैं जब मिल जाएगा ना फिर आपसे शेयर करूँगा। ये है मैथ्स जोन। उन्होंने ये ऑप्शन दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 19 ऑप्शन दिए, ये 9 पे टिक लगा पहले। अब ये है, देखें फ्लावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये है 12, इसका टिक लगाना है। अब ये देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये है 16। पहले में 9 थे, दूसरे में 12 थे, तीसरे में 16 थे। ये देख सकते हैं बुक ना बहुत अच्छी है, ये वाली 365 स्मार्ट एक्टिविटी। तो ये है, ये इंग्लिश के है लेटर फन। जो उन्होंने ऊपर पिक्चर दी है तो उन्होंने दो लफ्ज़ लिखे हैं, तो इधर हम लिखेंगे BUS बन जाएगा। हम साथ साथ शेयर करते हैं, यहाँ पे बी लिखेंगे बस। ये लाइन बना है छोटा बेबी, ये लाइन, ये है मुर्गी है ना, तो हैन। इस साइड ये पेंसिल है, पेंसिल, ये मून बना है, ये वाला MOOON। ये कैप है, ये कैप है ना कैमरे, हाँ ये कैप है, तो ये लिखेंगे कैप। ये लैम्प AMP लिखा है, तो ऊपर पिक्चर बनाई है लैम्प। तो इस साइड पे पत्ता बना है ना, तो लीव। ये मैंगो बना है, ये वाला, तो ANGO लिखा है, तो इधर हम लिखेंगे M। बस, लाइन, हैन, पेंसिल, मून, कैप, लैम्प, लीफ,
मैंगो, ये उनके सिर्फ आगे से वर्ड लिखने थे। जिस तरह उन्होंने एंड तक लिखा है पेंसिल, एनसी लिखा है, फिर हमने पी लगाना है, पेंसिल बन जाएगा। इस तरह ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ है ना, इसलिए ये आपको भी, ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होगी ये वाली एक्टिविटीज़। मैं और भी कुछ देखता हूँ, अगर और अच्छी एक्टिविटी इससे भी अच्छी हो तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। जब भी किसी हाइपर मार्केट में या कुछ ऑफर लगती है ना, तो हम ये ले जाते हैं केले और माल्टे और खाते हैं। तो आज थोड़ी थोड़ी धुंध लग रही है, कैमरे में इतनी खास नहीं लग रही। तो हमारे भी आ गए वो, जब स्विमिंग करके बैठते हैं ना या लेटते हैं कपड़े सुखाने के लिए, वो भी आ गए। उनके तो पहले आ गए थे, हमारे आज आ गए वो ब्लू, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो देख सकते हैं आप, ये ना सिर्फ एक गार्ड है वो, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है स्विमिंग पूल का, इसलिए कोई बिल्डिंग पे एक पता नहीं आता स्विमिंग करने, वरना पहले फुल रश होता था यहाँ पे स्विमिंग पूल पे, क्योंकि जो जो स्विमिंग पूल की तरफ जाते हैं ना, लोग फुल रेडी होकर जाते हैं स्विमिंग करने। जब पानी को हाथ लगाते हैं ना, तो एकदम ऐसा ठंडा पानी जिस तरह फुल बर्फ। हम भी एक दिन ऐसे गए थे ना, तो हमें नहीं पता था, फिर हम घर वापस आ गए थे, वहाँ पे बिल आए। वहाँ पे रोज़ाना इतने ज़्यादा लोग आते हैं, सुबह के टाइम भी और शाम के टाइम भी। ये हमारी बिल्डिंग पे सिर्फ 37 फ्लोर हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंग रखी है हमारी। ये इधर ये जो फ्लोर है ना, ये नीचे जिम और स्विमिंग पूल का, ये है फर्स्ट फ्लोर पे। तो बाकी P6 से लेके पी ग्राउंड तक, ग्राउंड फ्लोर अलग है, और P1 P2 P3 P4 P5 P6 तक हमारी पार्किंग है। हमारी नहीं, फुल बिल्डिंग की हमारी पार्किंग तो सिर्फ एक ही है, कभी कभी हम दो यूज़ कर लेते हैं अगर ज़्यादा गाड़ी हो जाए। अब हमने भी अपनी एक गाड़ी लेनी है ना, वो 7 सीटर ही लेंगे। तो अगर आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, इंफॉर्मेशन इस तरह की होगी जिस तरह मैंने आज दी है मेड फॉर किड्स के लिए। यही था हमारा आज का ब्लॉग, अब हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, वो भी बहुत अच्छे अच्छे होंगे, इंटरेस्टिंग ब्लॉग होंगे। तो अभी ब्लॉग एंड करते हैं, कमेंट्स कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।